नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद बहराइच के विकासखंड चित्तौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत रसूलपुर सरैया के वर्तमान प्रधान बाबा मंगल दास को फर्जी मुकदमे में फंसाने की हमेशा मिल रही है धमकियां। आपको बताते चलिए, प्रधान से मिली जानकारी के अनुसार उन्हीं गांव के विजय भास्कर व उनके अन्य साथी हरिजन एक्ट मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे। प्रधान बाबा मंगल दास के द्वारा देवी पाटन पुलिस महानिरीक्षक को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। बीते 24 तारीख को इन्हीं लोगों से हाथापाई भी हुई थी, जिसकी सूचना थाना कोतवाली देहात को दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम मंगल दास है। कहाँ के प्रधान हैं आप? मैं रसूलपुर सरैया के हूँ और मेरा ब्लॉक चित्तौरा लगता है, जनपद बहराइच का। क्या मामला है? मामला हमारे गांव में 3-4 लोग दबंग आदमी हैं, जो कि हमेशा सरकारी काम में पीठ डालते हैं और रंगदारी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। नरेगा का काम करवाए या किसी को आवास का पैसा दे तो उसमें कह रहे हैं मुझे पैसे चाहिए। इसमें कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? इसमें कोई पुरानी रंजिश नहीं है। और जबकि इस घटना के लिए मैं गोंडा मंडल, क्या नाम है, देवी पाटन मंडल को अप्लीकेशन और मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। और उसके बाद फिर 24 तारीख को मेरे पे जानलेवा हमला भी हुआ था, उसका FIR यहाँ थाने में देहात कोतवाली में दर्ज हुआ। नहीं, आप जो ये देवी पाटन मंडल को लिखित में प्रार्थना पत्र दी, इस पे क्या कार्रवाई थाने वालों ने किया? इस पे अभी कुछ नहीं हुआ कार्रवाई, और मैं 16 तारीख को दिया हूँ, उसकी कॉपी मेरे पास रखी हुई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे और मुझको नाजायज फंसाया जा रहा है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।